अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दोइब बेमली एंड यू आर वाचिंग जेड जे लीगल। आज मैं ब्लॉग की तरह ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको जो अपना पाकिस्तान लॉ साइट की रिव्यू करूंगा वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत दिन हो गए मैं रिव्यू नहीं किया। अभी आप मैं रिव्यू करूंगा और कुछ केस लॉ सेलेक्ट करूंगा जो कि मैंने पढ़ने हैं, और उसके बाद उसके ऊपर वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए। तो चलिए अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान लॉ साइट की जो लेटेस्ट मई के जनरल्स हैं, SCMR होगा, PCRLJ हो गया, उसको हम चेक करेंगे, स्पेशली क्रिमिनल, क्योंकि सिविल से इतना लगाव नहीं है क्रिमिनल। लेकिन अभी इस तरफ आप देखें तो कोयल, अब ये है मेरा लैपटॉप और यहाँ पे मैंने सेटिंग कर लिए है जहाँ पे मुझे मेरी वीडियो यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है, इस कैमरा से वेबकैम की। और यहाँ पे पीछे आपको जो साइट है वो आपको दिख रहा होगा और यहाँ से मेरी आइडियो जाएगी इसमें, ठीक है। ये सारी की सारी सेटिंग मैंने कर ली है, अब ये स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अभी हम आ गए हैं पाकिस्तान लॉ साइट की वेबसाइट पर। अब ये आप देखें मंथली जनरल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे जनरल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम चलते हैं SCMR में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज हैं वो आपको मिलेंगे। अब कुछ केस लॉज में मैंने पहले ही पढ़े हुए हैं और उसमें वीडियो भी बनाई हुई है, जैसा कि यहाँ पे एक था गजाला वर्सेस स्टेट, ये आप मेरे जो केस लॉ की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें ये था कि गजाला के ऊपर एग्ज़ाम ये था कि उसने प्रोहिबिटरी क्लॉज का एक ऑफेंस कर दिया है, अब वो बेल के लिए आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अब उनको बेल दी गई और क्या हेल्ड किया गया इसके हवाले से आप मेरी वो वीडियो देख लें। अब कुछ और केस लॉज को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आप ये जो अभी मेरे रजिस्टर में देख रहे हैं ये वो केस लॉज हैं जो कि मैंने सेलेक्ट की थी और उसके बाद पढ़ के आपके लिए रिकॉर्ड भी कर दिए हैं। अभी इन ही लिस्ट में कुछ और केस लॉज डालने हैं ताकि वो मैं पढ़ के आपके लिए उस पे ऊपर वीडियो बना सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। अब SCMR में आजकल जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं उनके बड़े जजमेंट्स आ रहे हैं क्रिमिनल के, क्योंकि वो क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं। तो इस हवाले से अब गुल मोहम्मद वर्सेस स्टेट इस केस में क्या है देखते हैं। कौन हैं जी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एंड जस्टिस अथर मिनल्ला। फर्दर इंक्वायरी एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड वाज दैट He, while armed with the pistol, launched an attack on the complainant party. However, it was instance. Medically, चलें इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फर्दर इंक्वायरी का एक केस है बेल के हवाले से, और मैं इसको नोट डाउन भी कर लेता हूं अपने पास ताकि इसमें मैं आपके लिए फिर वीडियो भी बना सकूं। सबसे पहले तो मैं खुद पढ़ूंगा, अपने नॉलेज को अपडेट करूंगा और उसके बाद आप दोस्तों के साथ भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। 30 अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, लेकिन एक मिनट, अब ये देखें यहाँ पे ये जो होते हैं ना, आप मेरी ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये जो है ना, ये ऊपर वाले कॉपी तो नहीं होगा, ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो लिखा हुआ है, फर्दर इंक्वायरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें नीचे तक यहाँ तक जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये हेड नोट्स हैं। ये जनरल्स जो पब्लिश करते हैं ना पब्लिशर्स,
वो ये बनाते हैं ताकि रीडर्स को इजी हो फाइंड आउट करने में और उनको पता चल जाए कि इस केस में क्या है। जैसा कि अभी मैंने सिर्फ हेड नोट स्टोरी बोर्ड देखी और मुझे पता चल गया ये केस किस बारे में है, तो इसलिए ये होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट थी कि ये जो हेड नोट्स होते हैं ये कोई केस की जजमेंट का हिस्सा नहीं होते या किसी ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ रीडर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और ये भी कोई जज साहब या अदालत थोड़ी बनाती है, अदालत थोड़ी लिखती है, ये लिखते हैं जो लॉ जनरल्स वाले हैं ना वो लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनेगी। ठीक है, अकील वर्सेस स्टेट, ये मैंने मेरे ख्याल में मैंने लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ये ओक्यूलर एविडेंस एंड मेडिकल एविडेंस के हवाले से है, ये मेरे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा, जस्टिस मजहर अकबर नकवी हाजरा बीबी सीमा वर्सेस अब्दुल कसीम, इसको देखते हैं इसमें क्या है। द एलिगेशन अगेंस्ट अपेलेंट वाज द एपेडेड द बर्थडे ऑफ द डिसीज्ड अब्दुल हबीब बाई टू सेपरेट जजमेंट्स डेटेड कन्विक्टेड। अच्छा, कन्विक्शन हो गई, उसके बाद क्या हुआ? लीव टू अपील इज रिफ्यूज। अच्छा, जनरली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मैंने लास्ट कुछ मंथ्स से जजमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने बहुत सारी जस्टिस मजहर अकबर नकवी की जजमेंट्स से भी मैंने गो थ्रू किया है, तो वो अक्सर जो कन्विक्शन होते हैं ना उनको मेंटेन करता है जस्टिस मजहर अकबर नकवी साहब, वो मेंटेन करते हैं उनकी ये जो स्टूडेंट्स है। माइनर कोई कंट्राडिक्शंस होते हैं तो फिर वो जस्टिस साहब इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पंखा को स्लो किया हुआ है, तो मुझे गर्मी हो रही है, थोड़ा तेज़ कर देता हूँ फैन की स्पीड, और अगर आपको कुछ नॉइस आए तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा, मेरे मुझे बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, अच्छा गजाला वाला ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, अली ताज वर्सेस स्टेट, नकवी साहब की जजमेंट है एंटी टेररिज्म के हवाले से, मर्डर अटैक एक्ट्स ऑफ टेररिज्म रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस क्राइम रिपोर्ट चैप्टर टू। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में इन्होंने मेंटेन किया होगा कन्विक्शन को, देखते हैं कहाँ गया अली ताज। हाँ, पिटीशन डिसमिस हो गई ना, लर्न हाई कोर्ट हैज एवेल्यूएटेड एविडेंस इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव एंड कम टू कंक्लूजन व्हिच इज नाइदर आर्बिट्री नॉट परवर्स, नो एक्सेप्शन दैट कैन बी टेकन टू द फाइंडिंग्स अराइव्ड एट बाय द लर्न हाई कोर्ट। इसके डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं थोड़ा इसको देख लूँ कि मेडिकल एविडेंस ओक्यूलर एविडेंस के हवाले से है और माइनर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके हवाले से, और इसके अलावा किसके बारे में है, पुलिस विटनेसेस के बारे में, टेस्टिमनी ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स इज एज गुड एज एनी अदर प्राइवेट विटनेसेस अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट दे हैव एनिमस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, पुलिस ऑफिशियल्स आर एज गुड। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं स्टडी करूँगा, ये SCMR 900। ठीक है, दो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और उसमें एक 857 है जो भी जो कि जस्टिस नकवी साहब की है, और 900 वो भी जस्टिस नकवी साहब की है। कुछ और केस लॉज को देखते हैं यहाँ पे, क्रिमिनल के अलावा भी देखें, देख लेते हैं पर नोट करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, इसको नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं बल्कि। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी सुई साउथ गैस कंपनी, कंप्लेन रेजोल्यूशन प्रोसीजर फॉर नेचुरल गैस LPG। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। जस्टिस तारिक साहब की एक जजमेंट है,
ये किसके बारे में है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टीलिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, प्री अरेस्ट बेल, कंफर्मेशन ऑफ मेलाफाइड ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट बाद हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ अक्यूज्ड। अच्छा, एंड शी हैज फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डोबरी आर्टिकल व्हिच वाज डिक्रीड एक्स पार्टी एंड इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स द बेलिफ वाज अपॉइंटेड टू रिकवर द सेड आर्टिकल्स ऑन द डेट ऑफ अक्रेंस of present FIR, the bailiff visited the house of complainant but failed to recover the articles. According to the bailiff, the complainant was not present in the house and he kept on waiting for 2 hours and thus proceedings remained unsuccessful. While lodging the FIR, the complainant had totally suppressed the relationship of the accused with the complainant. चलें आगे देखते हैं इसमें क्या है. लतीफ खोसा साहब इसमें वकील हैं. We observed the complainant. हाँ चला गया ये था ना. All these circumstances clearly indicate the bona fide and complainant of court accused Mansoor Ahmed was. अच्छा कंप्लेनेंट के बिहाफ पे मेलाफाइड है जिसकी वजह से बेल ग्रांट कर दी गई है. ठीक है. प्री अरेस्ट बेल ऑलरेडी ग्रांटेड टू द पिटिशनर इज हियर बाय कंफर्म सब्जेक्ट टू हिज फर्निशिंग फ्रेश बॉन्ड्स ऑफ 1 लाख रुपीज. चले इसको भी नोट कर लेते हैं. 2023 SCMR 967. आगे चलते हैं. और मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट जाकिर महमूद, ये किसके बारे में है? अपील्स फाइल्ड बिफोर द सर्विस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल्स गवर्निंग फर्स्ट अपील. या इसको छोड़ दें. नीचे आ जाएं. एहतशाम वस अली वर्सेस द स्टेट. अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अम्द, थेफ्ट, इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्री अरेस्ट बेल, रिफ्यूजल ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन वस यस हिज सन who forcibly tried to dispossess his father from his house. Version of eyewitness supported the medical evidence and version of complainant. Serious allegations were also made against the accused person of Davis in a false state agreement regarding the subject house with the sole intention of committing fraud and cheating the complainant and also misappropriating household items and file of वर बोथ नॉन अवेलेबल. नो स्पेसिफिक डिटेल ऑफ एनी मेरा. अच्छा, मेरा फाइल इंटेंशन भी नहीं है. जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस मोहम्मद अली मंसर साहब हैं. ठीक है. कॉमन इंटेंशन के हवाले से भी यहाँ पे है. और स्कोप एंड ग्राउंड्स ऑफ प्री अरेस्ट बेल. ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ व्हिच मे बी ग्रांटेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी of innocent persons in cases lodged with malafide intention to harass the person with ulterior motives. लेकिन मेरे ख्याल में इसमें तो malafide intention नहीं है. देखते हैं. हाँ चला गया ये ना. बेल रिफ्यूज हो गई है. चलें इसको जो है वो नेट कर लेता हूँ. 2023 SCMR 975. ठीक है. आगे चलते हैं. और जस्टिस काजी साहब की भी एक जजमेंट है. लेकिन उससे पहले एक जजमेंट नकवी साहब की
यहाँ पे एक और है, वापडा थ्रो चेयरमैन वर्सेस आलम शेर, ये किस लैंड एक्विजिशन के बारे में है। अच्छा चलो इसको छोड़ दें। मोहम्मद रफीक वर्सेस गुलाम जोहरामाई, अच्छा ये किसके बारे में है, गिफ्ट के बारे में है। परपोटेड गिफ्ट टू डिप्राइव मदर एंड सिस्टर फ्रॉम देयर शेयर इन इनहेरिटेंस, अच्छा इनहेरिटेंस के हवाले से मैंने मेरे ख्याल में ऑलरेडी भी कोई केस लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया, वो भी बड़ी अच्छी जजमेंट थी। अच्छा इसमें यह है कि गिफ्ट के जरिए बहन और मदर को शेयर से डिप्राइव कर दिया गया है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ 34 नंबर पे, सिलेंडर नंबर 34। अच्छा सिलेंडर नंबर 34 जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरी लिस्ट जो बनी हुई है उसमें कोई साइटेशन नहीं है ये, ठीक है। अच्छा ये 2023 SCMR 988, ठीक है। अच्छा उसके अलावा एक और जजमेंट है नकवी साहब की, नूर कमाल वर्सेस स्टेट अटेम्प्ट, ये क्या है, इसमें क्या है कि बेल ग्रांट कर दी गई है किस बिहाफ पे। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी यहाँ पे बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लिबर्टी के हवाले से। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, आ जाते हैं अभी, ये मई का है, जून को देख लेते हैं। अब जून 2022 की है, 2023 की नहीं है। चलते हैं PCRLJ की तरफ। अब PCRLJ में क्या है इसको देख लेते हैं। मई में जस्टिस जुल्फकार अहमद खान, जावेद इकबाल वर्सेस द स्टेट, इसमें क्या है, अक्यूज मूव एन एप्लीकेशन अंडर 265C फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ हार्ड डिस्क सिक्योर्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कोर्ट डायरेक्टेड द प्रोसिक्यूशन टू प्रोवाइड वीडियो फिल्म टू द अक्यूज, हार्ड डिस्क कंटेनिंग वीडियो वर डिसील्ड इन ओपन कोर्ट एंड वर प्रोवाइडेड टू द कॉन्स्टेबल, स्टेटेड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ हार्डवेयर बाय द प्रोसिक्यूशन बट द कॉन्स्टेबल शोड हिज इनएबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ द सेम, resultant later trial court excluded the test from the evidence by impugned order held it was mandatory to supply copies of the hard disk to the accused and modus operandi adopted by the trial court whereby must have sent the hard disk IT department। तो ये अच्छी जजमेंट है, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। किसकी जजमेंट है जी, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, मुल्तान बेंच की, 2023 PCRLJ 690। नीचे चलते हैं, जावेद इकबाल के बाद हमारे पास अहमद वर्सेस स्टेट, जस्टिस अहमद अली सत्तो साहब की है, सिंध हाई कोर्ट के हैं ये। सेंटेंस रिडक्शन इन अक्यूज बाय चार्ज फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ द सन ऑफ कंप्लेनेंट बाय यूटिलाइजिंग स्टोन, किलर अकाउंट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सोल आई विटनेस ब्रदर, after committing the murder the accused went away by jumping over the wall of shrine, अच्छा इसमें फिर क्या हुआ और क्या होल्ड हुआ। एक तो ये लैपटॉप जो है ना मैं पहली बार चला रहा हूँ, मेरे भाई का है तो इसलिए ये बिल बार बार जो है वो वापस हो जाता है। चलें इसको देख लेते हैं। अच्छा
motive set up by the prosecution was quite vague. Admittedly, no independent witness was brought by the prosecution. Even not a single word was deposed by any of witnesses regarding the background of any ill will or bitterness. अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, देखते हैं। बिल्कुल, रिड्यूस किया गया है। अच्छा, लाइफ इम्प्रिजमेंट से 22 साल तक। अच्छा, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 2023 PCRLJ 702। एक और जजमेंट है फजल वर्सेस द स्टेट, इसको देख लेते हैं। अच्छा, केस लॉज पढ़ने से हमें फायदा ये होता है, आपके माइंड से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। आप कानून पढ़ते हैं, निकल जाती हैं चीजें, लेकिन आप केस लॉज पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें जो कानून में हैं उसको इंटरप्रिटेशन कर रही होती है अदालत, या उन्हीं को डिस्कस कर रही होती है। इससे आप जो है वो चीज़ें याद हो जाती हैं आपको। तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस के हवाले से है, बलूचिस्तान हाईकोर्ट की जजमेंट। चले हैं, आगे चलते हैं। ये करीम खान आगा साहब की जजमेंट है, सनावला वर्सेस स्ट्रीट, पर्पज ऑफ चार्ज इज टू इन्फॉर्म। अच्छा, ये चार्ज के हवाले से मुझे जजमेंट चाहिए होगी, लेकिन इसको देखूँ मैं क्या और क्या चीज़ है इसमें। एडमिशन ऑफ अक्यूज्ड, एनी एडमिशन मेड बाय इज इन एडमिसिबल। इन एडमिसिबल के हवाले से मैंने मेरे ख्याल में एक ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मुझे अभी उसका जो साइटेशन है वो याद नहीं आ रहा, लेकिन केसेस एंड जजमेंट्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है जनजे लीगल में, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो आप देखिएगा। वो भी एक अच्छी जजमेंट थी, इसको भी मैं देखूँ, नोट कर लेता हूँ, इसको भी नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह इसमें भी वीडियो आएगी। कौन सी थी? आगा खान आगा साहब की थी, 2023 PCRLJ 717। ठीक, और यहाँ पे आगे चलते हैं। आज कौन सी तारीख है वैसे? 18। चलें, एक दो को देख लेते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड पे। तब तक हम ये जो ऑलरेडी मैंने नोट किए हैं अभी, ये केस लॉज स्टडी करूँगा। अंजुम लतीफ़ साहब, अंजुम लतीफ़ वर्सेस द स्टेट, सजाए खफीफा, बेनिफिट ऑफ डाउट। चले, बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, ठीक है? कुछ नेक्स्ट सेशन के लिए भी रखते हैं, बाकी सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो आज तो हमने नहीं कर दी। अभी मैंने कितने किए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर लिए हैं, 8 मैंने नोट कर लिए हैं, लेकिन चलें 2 और कर लेते हैं, उसके बाद 10 मुकम्मल कर लेंगे, बाकी बाद में करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो हमारी बैठक होगी उसमें करेंगे। लास्ट क्विज कौन सा था? 717। अच्छा, ये आगा खान आगा नहीं आगा खान नहीं मोहम्मद करीम खान आगा साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अंजुम लतीफ, इसको छोड़ देते हैं। फहीम वर्सेस स्ट्रीट, फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है, क्या कहता है इसमें? इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल नॉट पुट टू अक्यूज्ड।
बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है इसमें, है ना। एप्लीकेबिलिटी सिंगल सर्कमस्टेंस क्रिएटिंग रीजनेबल डाउट इन द प्रूडेंट माइंड अबाउट द गिल्ट ऑफ अक्यूज बेनिफिट इज टू बी एक्सटेंडेड टू द अक्यूज और नॉट एज अ मैटर ऑफ ग्रेस और कंसर्न बट एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर ये जजमेंट कहती है कि अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट है तो फिर वो अक्यूज का राइट है कोई उसका उससे बेनिफिट मिले। बहरहाल इसको हम नोट नहीं करते, ये पढ़ लें, चले नोट कर लेते हैं। 38 हमने किया है, 2023 PCRLJ 757। अभी तक जो PLD की है वो अभी तक भी रहती है, चले उसको देख लेते हैं, एक उससे लेते हैं। PLD में रिसेंटली जजमेंट्स, शेख साहब की भी जजमेंट है लेकिन ये क्रिमिनल नहीं है, किसके हवाले से देखते हैं। लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस स्कोप पटिशनर बीइंग अ वेंडर्स और होलसेलर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन ओपन फॉर्म सेल्ड सेल ओपन बैंड एंड द बिजनेस सील्ड। अच्छा क्या हुआ था फिर इसका, जो नोटिफिकेशन ये है। चलें इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये इरशाद अली शाह साहब की जजमेंट है, जुबेर अहमद वर्सेस द स्टेट, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। अच्छा ये इसके हवाले से एक जजमेंट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की है, वो था PLD 2021 कराची 577, अल्टरेशन ऑफ चार्ज के हवाले से था। और इसमें भी ये कहा गया है कि अल्टरेशन ऑफ चार्ज के बाद जो विटनेसेस की रिकॉल है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, 231 है मेरे ख्याल में। ये इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। इसको वेयर एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ अ फ्रेश चार्ज वाज एडोप्टेड नॉट ओनली बाय द प्रोसिक्यूशन बट आल्सो बाय डिफेंस, हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट सच ऑब्जेक्शन। सच एडॉप्शन ऑफ एविडेंस वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ 231 व्हिच प्रिस्क्राइब्ड दैट इफ ऑन पॉइंट ऑफ अल्टरेशन Adoption of such evidence was also contrary to the content 353. चलो इसको नोट कर लेते हैं, लास्ट यही ही नोट कर लेते हैं PLD, इसको बाद में देखेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। 2023 सिंथ 151, ठीक है। ये हमारे आज हमने 10 जो केस लॉस हैं उनको गो थ्रू किया है, जस्ट उनके हेड नोट्स देखे हैं और उनको नोट डाउन कर लिए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो सेशन होगी जिसमें हम नोट डाउन करेंगे वो मे बी वीकेंड को मैं करूं, और उसमें भी मैं मेरे ख्याल में जो रिकॉर्डिंग करके आपके लिए अपलोड करूँगा। लेकिन जो मैंने नोट किए हैं यहाँ पे अपने रजिस्टर में, इंशाल्लाह ये आप वो वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। मैं तो स्टडी करूंगा ही करूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं शेयर पढ़ता हूं वो आपके साथ भी शेयर करूं, इससे मेरी अपनी भी स्टडी होगी, वो मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे, याद हो जाएंगे मुझे, और आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा। तो इस बात पे इख्तिताम करते हैं इस सेशन का, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।